अमोइका जी, आपका सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और भरतनाट्यम की आप युवा कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये बताएं कि तकरीबन कितनी उम्र से आप भरतनाट्यम सीख रही हैं? मैं जब 3 साल की थी तब मैंने शंकर गुंबर जी के साथ भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था। आज मैं अपने कॉलेज की 3rd ईयर में हूँ, तो मतलब बहुत साल हो गए करते करते। और धीरे धीरे अब कुछ थोड़ा करते करते आई थिंक स्टेज पे लेके करने की। मैं जिनके सानिध्य में शुरुआत की, शंकर उम्बल जी, वो काफी एक नामी कलाकार रहे हैं और उनका काफी योगदान रहा है भरतनाट्यम को प्रमोट करने में, उनके बारे में और क्या बताना चाहिए? जब मैं गुरु जी के पास गई तो मतलब 3 साल के बच्चे को कितना ही याद होता है, बट मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। बहुत डांट पड़ती थी छोटी छोटी बातों पे, जैसे जो बेसिक्स होते हैं ना भरतनाट्यम के, टट्टड़ो नाटड़ो, उन्हें वो घंटों कराते थे, एक एक हफ्ता, मतलब आगे ही नहीं बढ़ते थे और बेसिक्स ही बेसिक्स चल रहे। और थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ तो आप चाहो, ठीक है, बच्चा कभी कभी डर जाता है, पीछे जाके खड़ा हो जाता है, उनकी नजरों से कोई नहीं बचता था, वो वहां बैठे रहते थे और अपना डंडा फेंकते थे पैर पे। ये बात क्लियर मेमोरी में याद है। ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट मतलब जहाँ वो स्ट्रिक्ट थे वहाँ वो मतलब फिर प्यार से बहुत समझाते थे। देखिए मतलब किसी भी कला को करने के लिए बहुत बहुत साधना लगती है। और आप जो उनसे सीखा वो आज उसको आगे फॉलो करते हुए आप एक बेहतर मुकाम पर पहुंच रही हैं, है ना? जी। अच्छा, आपने देश के कौन कौन से हिस्सों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है, भरतनाट्यम को पहुंचा है? कोविड शुरू होने के पहले, मतलब जो सबसे मेरा लास्ट मेजर स्टेज परफॉर्मेंस था, खजुराहो डांस फेस्टिवल, तो आई थिंक मतलब मेरी लाइफ का फिलहाल सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद ताजोत्सव आगरा, उज्जैन, पता नहीं, मतलब एक बार तो शायद हम वहाँ भी गए थे, राजस्थान में। एंड अब और भी इसकी बेहतर तालीम लेने के लिए और कौन से गुरु का सानिध्य पाया है? शंकर भाई जी की तबियत बहुत खराब हो गई थी, गुरु जी की तबियत बहुत खराब हो गई थी, वो मम्मी मुझे लेके गई थी मेरे पास ये बताने, ये पूछने के लिए कि अब गुरु जी हाबी ने शुरू किया है, आप बताए मैं कहाँ लेता। जी। उसके बाद डॉक्टर लता सिंह जी के यहाँ से मैंने काफी साल किया और अब मैं रुक्मणी विजय कुमार जी बैंगलोर में उनके साथ में। कितना आपको लग रहा है कि भरतनाट्यम के प्रति कलाकारों का रुझान बढ़ रहा है, वो कथक के साथ साथ दूसरे दक्षिण भारतीय नृत्यों को भी सीखने के लिए लालायित हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कुछ? देयर इज डेफिनेटली अ इंक्लिनेशन टू एक यंगर जनरेशन, मैं तो कहूंगी मेरी ही जनरेशन के बच्चे, मैं बहुत ज्यादा उम्र में नहीं हूँ, आज कॉलेज के 3rd ईयर हूँ, तो मेरे फ्रेंड बहुत ज्यादा वेस्टर्न डांस फॉर्म्स और हिप हॉप और पता नहीं क्या क्या में बहुत इंक्लाइंड है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब आप भरतनाट्यम नहीं, आप कोई भी क्लासिकल करते हो तो आई थिंक आप बॉडी कोई वेस्टर्न डांस फॉर्म करने के लिए भी साथ साथ तैयार हो जाता है, बिकॉज आई बिलीव क्लासिकल डांसर नॉट जस्ट भरतनाट्यम, दे आर बहुत ही मतलब दे ट्रेन यू, आपके शरीर को इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं दैट यू कैन, मतलब आप वेस्टर्न डांस फॉर्म भी बहुत इजिली अडेप्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये बात सच है कि बच्चे आजकल बहुत वेस्टर्न कल्चर की तरह जाते हैं, बट एक जो खूबसूरती नजाकत जो हिंदुस्तानी कलाकारों कला में है वो मुझे नहीं लगता शायद कहीं और, मतलब आप किसी भी इंडियन क्लासिकल डांस को देख लो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इवन कथक, दे आर ब्यूटिफुल डांस फॉर्म्स। एंड मेरे मतलब जिस तरह भरतनाट्यम करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, बट मेरा तो रुझान हमेशा से क्लासिकल की तरह ज्यादा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं चलते चलते? सुन रहे हैं मुझे, मैं यही कहूंगी कि भारतीय परंपरा को छोड़िए मत, बहुत ही खूबसूरत परंपरा है हमारी इंडियन क्लासिकल, बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म्स हैं, बहुत ही अच्छे डांस फॉर्म्स हैं, उनको करिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए, एंड मैं अपना योगदान दे रही हूँ, आप भी अपना योगदान दीजिए। कुछ सुनाना चाहती हैं, तिलाना के बोल वगैरह? तिलाना के बोल नहीं, बट एक बहुत ही बेसिक गति सुना सकती हूँ मैं आपको भरतनाट्यम की, सुना दी, जो पत्रकार मालम जो होता है, शाम ततक कितनक झम, सकुन तेरी कितन तक ततक कितनक तक झम, सकुन तेरी कितन तक तक झम, तक नम तक रूम तक धित, शाम ततक कितता कितन धिचि तक धित, कितन तरह की भोग, शाम ततक कितता कितन धिचि तक धित, कितन तरह की तुम, शाम ततक कितन धला मुझे तक धित, कितन तरह की भोग। बहुत सुंदर मोहिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपके विचार बहुत सारे युवा फॉलो करेंगे और वो भी भरतनाट्यम के प्रति उन्मुख होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।